रहा हूं विधानसभा के अंतर्गत खंडवा रोड के चौड़ीकरण के दोबारा भूमि पूजन में मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत है। राव विधानसभा एक परिवार है और परिवार में किसी भी प्रकार की सकारात्मक बात होती है, जो भी करता उसको साधुवाद। मुझे प्रशासन आमंत्रित करता या आपके आने की विधिवत सूचना देता तो मैं आपके बीच में आकर आपका स्वागत भी करता और आपका जो राव विधानसभा की और जरूरत है उनको भी अवगत कराता, पर चूंकि बिना बुलाए मैं आपके बीच में आऊंगा तो न्यूसेंस का एक भाव बनता है राजनीतिक क्षेत्र में, वो मैं कभी मेरी कार्य करने की शैली नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी, इसी खंडवा रोड के आगे एक तालाब है, बिलावली डैम, जो बहुत पुराना और प्राचीन है, होलकर स्टेट के जमाने का। वहां वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां चालू हुई थी, चूंकि बंद है तो आप पास में ही आ रहे हैं, उसको लेकर आप संज्ञान में लें तो आपकी मेहरबानी होगी, आप सरकार में हैं। साथ ही साथ MR3 एक पास ही से 2 किलोमीटर दूर एक और रोड है, जो MR रोड है उसमें वो अधूरा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं उसको लेकर भी आप संज्ञान में लेंगे और वो रोड इंदौर की रीढ़ की हड्डी के रूप में आने वाले समय में निर्मित होगा, तो भी मैं आपको साधुवाद दूंगा। जहां तक प्रश्न है विकास का, श्रेय का, पॉलिटिक्स का, मैं मानता हूं विकास सबसे बड़ा श्रेय है अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए, और जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है। तो मैं आपका स्वागत भी करता हूं और साधुवाद भी देता हूं कि आपने दोबारा भूमि पूजन किया। पहले कई बार इसके हो चुके हैं, वो नकारात्मकता में मैं नहीं जाना चाहता, काम होना चाहिए, परेशानियां हैं परिवार के लोगों को दूर होना चाहिए। मैं आपका फिर से एक बार अनुरोध करता हूं कि जो दो मांगे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की उस पर आप संज्ञान में लेंगे, और अगर प्रशासन मुझे अनुमति देता तो मैं आकर स्वागत करके आपको इन बातों से अवगत कराता। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।